हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है ग्रीवियांस रेड्रेसल मशीनरी। ग्रीवियांस रेड्रेसल मशीनरी, सेक्शन 9C। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीवियांस रेड्रेसल मशीनरी में। सेटिंग अप ग्रीवियांस रेड्रेसल मशीनरी, सेक्शन 9C। एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कमैन शैल हैव वन और मोर ग्रीवियांस रेड्रेसल कमिटी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्रीवियांस रेड्रेसल कमिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ओके, एंड जो भी इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस है उनको कंसीडर करने के लिए वहाँ पे एक ग्रीवियांस रेड्रेसल कमिटी होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट employing 20 or more workmen shall have one or more grievance redressal committee shall have one or more grievance redressal कमिटी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। सेकंड जो डिस्कस कर रहे हैं वो है द ग्रीवियांस रेड्रेसल कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। यानी कि जो ग्रीवियांस रेड्रेसल कमिटी है, इसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन की साइड से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। द ग्रीवियांस रेड्रेसल कमिटी shall consist equal number of member from employer and workman. Okay? Third point यहाँ पे हम discuss कर रहे हैं, the chairperson of the grievance redressal committee shall be selected from the employer. जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन शैल बी, द चेयरपर्सन शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड फ्रॉम अमंग वर्कमैन अल्टरनेटिवली ऑन द रोटेशन बेसिस एवरी ईयर। एम्प्लॉयर एंड फ्रॉम अमंग वर्कमैन, यानी कि रोटेशन होना चाहिए, एक साल वर्कमैन की साइड से, एक साल एम्प्लॉयर की साइड से।
एंड फ्रॉम वर्कमैन. अल्टरनेटिवली ऑन रोटेशन बेसिस एवरी ईयर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फोर्थ नंबर. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी शैल नॉट एक्सीड मोर देन 6. यानी कि जो ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी है इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. टोटल नंबर ऑफ मेंबर ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी शैल नॉट एक्सीड 6. ओके. तो ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी हम मशीनरी जो कंस्टिट्यूट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में जहां 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं ताकि वहां पे अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व किया जाए. ओके. तो उसके लिए क्या है, चेयरपर्सन हायर किया जाता है जो कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों की साइड से हर साल रोटेट होता है. और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई इक्वल नंबर होने चाहिए दोनों दोनों की साइड से, एम्प्लॉयर की साइड से भी और वर्कमैन की साइड से भी इक्वल नंबर ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी में होने चाहिए और जो जिन जो 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ओके. उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एज पर प्रैक्टिकेबल 1 वुमेन मेंबर इफ द ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी हैज 2 मेंबर इन केस ऑफ द वर्क मेंबर नंबर ऑफ मेंबर आर मोर देन 2 द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर मे बी इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली. ठीक है. यानी कि जो वुमेन मेंबर है उनका भी यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट नॉट विदस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन द सेक्शन द सेटिंग अप ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द वर्कमैन टू रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑन द सेम मैटर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस. क्या है देखो, तो काम नहीं कर रही हूं. सो ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी shall not affect the right of workmen to raise industrial dispute. सिक्स्थ नंबर पे बात कर रहे हैं द ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी मे कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग विद इन 30 days. Within 30 days, committee shall complete जो भी काम है, जैसे कोई केस है, डिस्प्यूट है, तो within 30 days that case must be resolved. Within 30 days, committee shall complete its proceeding on receipt of written application or behalf of aggrieved party. Okay. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ नंबर पे. द वर्कमैन हु इज aggrieved ऑफ द डिसीजन ऑफ द ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी मे प्रिफर एन अपील टू द एम्प्लॉयर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी एंड द एम्प्लॉयर शैल विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट सच अपील डिस्पोज ऑफ द सेम सेंड अ कॉपी ऑफ हिज डिसीजन टू द वर्कमैन कंसर्न. नथिंग कंटेंड इन द सेक्शन शैल अप्लाई टू वर्कमैन फॉर होम देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड ग्रीवियंस रेडरेसल मैकेनिज्म इन द एस्टेब्लिशमेंट कंसर्न. ओके. आज का टॉपिक हमारा यही था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ग्रीवियंस रेडरेसल मशीनरी. ओके.
के सेक्शन 9 सी कवर करता है, इसमें हमने बात करी कि भाई अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ 20 या इससे ज्यादा वर्कमैन हैं वर्किंग में हैं, तो वहां पे क्या है, एक ग्रीवियंस रेडरेसल कमिटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए बाय द एस्टेब्लिशमेंट। और उसमें क्या है, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर और वर्कमैन के साइड से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि वहां पे होने चाहिए। और विद इन 30 डेज जो भी केस है, जो भी डिस्प्यूट है, वो प्रोसीड होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रीवियंस रेडरेसल मशीनरी सेक्शन 9C। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट, तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अवार्ड एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ओके, तो ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके जो कुछ टॉपिक रह गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट है, और उसके बाद ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे, एंड रूल्स रिगार्डिंग कंपनसेशन टू वर्कमैन लेड ऑफ ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी कुछ टॉपिक रिमेन है इस एक्ट में जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। पेनल्टीज इस एक्ट का पार्ट है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये एक्ट समझ में आया हो। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।